श्रीमती कहकशान परवीन। बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री जी का मैं अभिवादन करती हूं, जिन्होंने इस बिल को ला करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को ही मजबूत नहीं बल्कि ये कॉरपोरेट गवर्नेंस को भी बेहतर बनाने का काम किया। किसी भी देश के लिए विकास में कारोबार और व्यापार का बहुत महत्व है, लेकिन छिपा हुआ कारोबार जो होता है वो ठीक नहीं है। कंपनियां भी ना है और ना ही पंजीकृत कार्यालय है और ना ही कंपनियां चल रही हैं। उस कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए और जो फर्जी वाड़ा कर रहे हैं इन पर लगाम लगाने के लिए ये बिल लाया गया है। इस विधेयक के माध्यम से व्यापार सुगमता यानी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की स्थिति मजबूत होगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और फर्जी कंपनियां जो हैं वो उन पर प्रभावशाली ढंग से अंकुश लगाए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, जो इस कंपनी में जो कंपनी फर्जी कंपनी है उसको लगाने के लिए जो रजिस्ट्रार को पावर दिया गया है कि रजिस्ट्रार फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और उसको गलत ढंग से कंपनियों को जो ये कर रहे हैं उनके नामों को रद्द करेंगे, ये बहुत ही अच्छा कदम है। जहाँ तक सीएसआर के विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से जो कंपनियाँ खर्च नहीं कर पाती हैं सीएसआर में और वो अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखा देती हैं कि हम खर्च नहीं कर पाए, उस राशि को एक विशेष प्रधानमंत्री राहत कोष में जो डालने की बात है ये भी स्वागत योग्य है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं दो बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि महात्मा गांधी जी की जो ट्रस्टशिप मॉडल जिसकी नैतिकता के आधार भूतशिला पर कॉरपोरेट गवर्नेंस की परिकल्पना की गई थी, जिसमें बिजनेस समाज के साथ साथ एक ट्रस्टी की भांति अपनी आवश्यकता से अधिक जो कुछ वो अर्जित करेगा वो समाज में वापस दे देगा, क्या वर्तमान कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस तरह की धारणा रख रहे हैं? क्या हमारे महात्मा गांधी जी की जो नैतिकतावादी सोच जो है उस पर वो खरे उतर रहे हैं? क्या हमारा सिर्फ लक्ष्य जो है वो आखिरी मंजिल तक ही तय करना है या फिर जो तरीके हैं वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं? इस बात पे हमें चिंता करनी होगी। जहाँ तक सीएसआर की बात है तो टाटा जैसी कंपनी जब इस पे कोई बिल नहीं आया था वो उस वक्त से उस पे खर्च कर रही है और जब इसमें कोई प्रावधान नहीं था, तो मैं ये जानना मेरा ये कहना है कि इस पर सीएसआर पर जो वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं उस पर बहुत ज़्यादा दबाव भी देने की ज़रूरत है ताकि वो यानी कोष में खर्च हो, कोष में खर्च होने के बाद वो खर्च हो, उससे अच्छा है कि कंपनियां जो है वो इस बात को ले कि हाँ हमें सीएसआर में खर्च करना है। एक मेरी आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि कि सरकार द्वारा इस अहम मुद्दे पर विचार किया जाए जिसे स्वशासन को ही सुशासन का रूप रास्ता बने। धन्यवाद कहकशान जी।